हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल स्टार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप अपनी वीडियो के लिए हमेशा थंबनेल बनाते होंगे, पर आज मैं आपको थंबनेल के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आप क्या मिस्टेक करते हो और अपने थंबनेल में किस तरह का माइंड लगाना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मैंने 6 महीने काम करते हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गए, पर मेरे को थंबनेल बनाना नहीं आता था। बट मेरे को 1.5 साल बाद पता चला कि थंबनेल पे माइंड गेम खेला जाता है। अगर आप एक यूट्यूबर है और ये वीडियो आज आपने कंप्लीट देख ली तो आपके होश उड़ जाएंगे और आप समझोगे अच्छा ये चीज भी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबको पता है कि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नंबर 1 पॉइंट बता देता हूं, पर उससे पहले यह भी बताना चाहूंगा कि अगली जो वीडियो है वो काइन मास्टर के ऊपर आने वाली है। उस वीडियो को आप जरूर से देखना, क्योंकि वो ही एक ऐसी वीडियो है जो वीडियो की एडिटिंग में जान डाल देगी। ठीक है, वो वाली वीडियो जरूर देखना। आप थंबनेल पे किस हिसाब से कलर को मैचिंग करा रहे हो, यस नंबर 1 पॉइंट होता है कलर। आपको इस हिसाब से कलर वहां पे डालने होंगे आपके थंबनेल पे, जो आंखों को ठंडक दे, जो आपकी आंखों को अट्रैक्टिव लगे, जो दूसरा बंदा बाहर से देखे और सोचे यार वीडियो के अंदर बिल्कुल कुछ ना कुछ हो सकता है, तो इस वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप एक नए यूट्यूबर है तो आपको थंबनेल पे 90-95% काम करना होगा और इसी से बंदा आगे बढ़ता है अगर नया यूट्यूबर है। अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, थंबनेल के ऊपर कभी भी पूरी बात आपको नहीं लिखनी है। यस, नहीं लिखनी है। आप क्या करते हो कि थंबनेल पे पूरी बात लिख देते हो, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि थंबनेल पे मैं किस तरह के कीवर्ड लिख रहा हूं। यकीन माने दोस्तों, आपको सस्पेंसिव थंबनेल बनाना है, मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड लिखने हैं जो दूसरे बंदे को मुझको मजबूर कर देना है। ऐसे कीवर्ड, ऐसी लाइन आपको थंबनेल पे लिखने हैं। दोस्तों बात करते हैं इसको बनाते कैसे है। HD थंबनेल बनाने के लिए आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, और जो भी थंबनेल मैं बनाता हूँ वो हमेशा पिक्सल लैब से बनाता हूँ। ये सारे मेरे एडिटिंग टूल है, अगर आप इनके ऊपर वीडियो चाहते हो तो वो भी मैं बना दूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ पिक्सल लैब पे। इस पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको ऊपर की तरफ जाना है जहाँ पे 3 डॉट्स लिखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज साइज, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये कस्टम लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे चूज करना है यूट्यूब थंबनेल, और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मेट आया है, ये आया है YouTube का फॉर्मेट। और अगर ये पीछे का बैकग्राउंड आपको चेंज करना है तो यहाँ पे लिखा है ये थीम्स का ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे कलर जो होता है इसको आपको चूज कर लेना है। और यहाँ पे जो आप बैकग्राउंड का कलर देना चाहते हो वो यहाँ पे दे सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला मैंने ले लिया, तो यहाँ पे मैं ओके पे सपोज करो ये वाला मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि थंबनेल पे हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, तो इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे आपको लिखना है जो आप लिखना चाहते हो। तो मैंने लिखा हाउ टू मेक, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, तो ये इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों बात यह है कि इस पे आपको सेलेक्ट करना है ऐसे, और नीचे यहाँ पे ए लिखा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, यानी कि इसका हमें फॉर्मेट सेट करना है। अब सेट कैसे करेंगे, हमें आगे की तरफ जाना है, और यह है फॉन्ट, फॉन्ट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो है वो चूज करना है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मैं चूज करता हूँ, जनरली ये है ये वाला, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने चूज कर लिया। अगर मेरे को इसको छोटा और बड़ा करना है, मेरे को थोड़ा सा लेफ्ट में जाना है, और यह है साइज, इसको मैं यहाँ पे छोटा कर सकता हूँ और बड़ा कर सकता हूँ, तो मैं अभी यहाँ बड़ा ही रखता हूँ और मैं इसको सेट कर देता हूँ। अब दोस्तों इसकी सेटिंग करते हैं, मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ पे, आप देख सकते हो इसका यहाँ पे है स्ट्रोंग का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे इनेबल करूंगा, और ये ब्लैक कलर यहाँ पे आ गया है, आप चूज कर सकते हो व्हाइट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं ब्लैक करूंगा क्योंकि मेरे अपने हिसाब से मुझे बनाना है। और यहाँ पे इस तरह से मैंने कर दिया, इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, और ओके पे क्लिक करना है। अब मेरे को इधर जाना है, और यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इसको मेरे को इनेबल करना है, और यहाँ पे मैं ब्लू सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे ये जो है ना रेडियस, इसको आपको आगे पीछे करना है, यानी कि रेडियस को अगर आप ज़्यादा करोगे, 5 या 6 पे करोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे कॉर्नर पे जो गोल गोल आ जाता है, अगर मैं दोबारा से जाऊँगा यहाँ पे
बैकग्राउंड पे जाऊंगा तो यहाँ पे रेडियस है, तो इसको मैं दोबारा से बढ़ा देता हूँ, यानी कि 15-16 तक मैं कर देता हूँ, इसको 18 तक कर देता हूँ, तो ओके करता हूँ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कट चुका है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है और कलर पर जाना है, और जनरली यहाँ पे कलर का ऑप्शन होता है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं व्हाइट कलर सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरी लाइन लिखनी है तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यह है टैक्स का मैसेज, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है आपको और टैक्स पे जाना है और ये टैक्स आ चुका है। अब मेरे को लिखना है यहाँ पे HD, प्रो HD, ठीक है, प्रो HD लिख देता हूँ मैं, प्रो और HD, ठीक है। अब इसको भी मेरे को सेट करना है, सेट कैसे करेंगे इसको, हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, साइज पे क्लिक करते हैं और ये यहाँ पे बड़ा हो चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसको कलर पे जाना है और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको येलो, यहाँ पे येलो मैंने सेलेक्ट किया और अब मेरे को ओके करना है यहाँ पे, और अब मेरे को प्रो HD पे जाना है, तो यहाँ पे जाना है स्ट्रॉन्ग पे, स्ट्रॉन्ग पे मेरे को गया और इनेबल मैं करता हूँ। उसके बाद मैंने सेलेक्ट करना है ब्लैक, ब्लैक ऑलरेडी सेलेक्ट है यहाँ पे और ओके पे करना है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करना है, फॉन्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, तो यहाँ पे प्रो HD आ चुका है, पर वो मज़ा इसमें नहीं आया। अभी इसी पर क्लिक करना है आपको, सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको जाना है सेडो पे जाके आपको इनेबल करना है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही करोगे पीछे का जो सेडो है वो आ चुका है। अब दोस्तों उसको क्या करना है, साइज करना है, साइज को आपको बड़ा छोटा कर देना है, ऐसे आपको करना है। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को एक और लाइन लिखनी है जो यहाँ पे थंबनेल लिखूंगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे जाऊंगा और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा थंबनेल और ओके करूंगा, और इसका भी साइज मेरे को बढ़ाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉन्ट पे जाऊंगा, ये है मेरा फॉन्ट, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसको आर्म को मैं सेलेक्ट करके ये ऐसे आ जाएगा, और इसको मेरे को बड़ा साइज करना है, बड़ा साइज के लिए मेरे को इस साइड जाना पड़ेगा और ये साइज है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे बड़ा कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको कलर मैच करूंगा, ओके करूंगा और कलर पर जाऊँगा, कलर मैं यहाँ पर रेड कर लेता हूँ, ठीक है, ये रेड यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से अगर आप थंबनेल बनाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से HD क्वालिटी यहाँ पे आई है। अब आपको एक काम करना है, अगर कोई इमेज आपको लगानी है तो ऊपर प्लस का निशान है यहाँ पे आप क्लिक करिए, फ्रॉम गैलरी करिए और जहाँ पे भी आपकी इमेज रखी है वो इमेज को आप सेलेक्ट करिए, जैसे मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ ऐसे और यहाँ पे ओके कर दूंगा, ठीक है, और इसको मेरे को लगाना है साइड में, ऐसे आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, ये मैंने इस तरह से यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि थंबनेल वाला जो है यहाँ पे दब गया है, तो इस पर मैं सेलेक्ट करूँगा थंबनेल पे और इसका जो साइज है वो मैं यहाँ पे छोटा ऐसे कर दूंगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यानी कि कितना मस्त यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह से आप अपना HD थंबनेल बनाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे बड़ा बड़ा ना लिखे, थोड़ी सी चीज़ लिखिए और आपके जो है ना थंबनेल, अगर कोई बंदा इस थंबनेल को देखेगा वो अट्रैक्टिव थंबनेल है और वो अट्रैक्शन हो जाएगा उसको और वो तुरंत यहाँ पर क्लिक मारेगा, मतलब ये होप रहती है कि अच्छा थंबनेल अगर बनाओगे तो दूसरा बंदा आपके थंबनेल देख के वीडियो पर आएगा। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको सिखा दिया थंबनेल बनाना। अगली वीडियो में मैं काइन मास्टर के ऊपर बनाऊंगा, अगर वो वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि हर यूट्यूबर को वीडियो एडिटिंग सही से आनी चाहिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।